हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली UMT का अपडेट आ चुका है, QC फायर 7.9 का, जो कि बेस्ट है और सबसे बेस्ट अपडेट आया है अभी तक का। मुझे सबसे बेस्ट अपडेट लगा ये। और इसमें क्या क्या अपडेट किया गया है, क्या क्या फ़ोन, कौन कौन से फ़ोन अपडेट किए गए हैं, ऐड किए गए हैं, और कौन सा सबसे बेस्ट फीचर इसमें अपडेट किया गया है, वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और इस सेटअप को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या नया आया है, आपको नीचे दिखा देता हूँ। वीवो फंक्शन इन फास्ट बूट मोड, मतलब वीवो के फ़ोन को आप जैसे अनलॉक वगैरह सब आप कर पाओगे, वो भी ओनली फास्ट बूट मोड में ही। आपको फ़ोन को खोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या करते थे, हमको फ़ोन को खोलना पड़ता था, वो इडियट शॉट करने के बाद हम इसको अनलॉक कर पाते थे। बट अब आपको मोबाइल को खोलने की ज़रूरत नहीं है, वीवो का जो भी फ़ोन है वो आप फास्ट बूट मोड में भी अनलॉक कर पाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐड में दिखा देता हूँ कौन कौन से फ़ोन यहाँ पे ऐड किए गए हैं। असूस के 6 फ़ोन यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं रॉग फोन 2, रॉग फोन 3 और रॉग फोन 5, और जो भी है 2-3 मॉडल और है वो भी ऐड कर दिए गए हैं। और होनर के 2 मॉडल ऐड कर दिए गए हैं यहाँ पे, और नीचे हवाई के भी 2 मॉडल ऐड कर दिए गए हैं। और जियो का फ़ोन जो नेक्स्ट नेक्स्ट फ़ोन है, जियो फ़ोन जो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लॉन्च हुए, तो उसे भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। और नीचे सैमसंग का एक फ़ोन भी ऐड कर दिया गया है, और ZTE जिसके 2 मॉडल भी यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। और स्पेशल अपडेट जो है वो मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, एडेड फॉलोइंग वीवो फास्ट बूट फंक्शन, ठीक है। तो खास स्पेशल जो अपडेट है ये वीवो के लिए ही है, और इसमें सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगा कि पहले हमको फ़ोन को खोलना पड़ता था, उसके बाद एडियल शॉट करके हम मोबाइल को अनलॉक करते थे। बट अब ऐसा नहीं रहेगा, वीवो के जितने भी फ़ोन हैं आप उनको फास्ट बूट मोड में ही आप अनलॉक कर पाओगे। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप जो डाटा होता है वो डाटा भी आप बचा सकते हो, जैसे गैलरी के वीडियो, फोटो, वीडियोस वगैरह जो भी है आप वो भी आप बचा सकते हो कस्टमर से, जैसे 100-150 रुपये आप ज़्यादा लेके भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट अपडेट लगा मुझे ये अभी तक का। तो मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ ये सेटअप आपको डाउनलोड कहाँ से करना है और इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, या तो आप उस लिंक को कॉपी कर लेना, या तो फिर उस लिंक पर ही क्लिक कर देना, तो आप डाउनलोड वाले पेज पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो मैं लिंक को कॉपी करके पेस्ट करूँगा, आप लोग वहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, और उस लिंक को कॉपी करके यहाँ गूगल पे पेस्ट भी कर सकते हो और सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, कॉपी किया हुआ है, और सर्च कर देना है आपने। तो यहाँ पे नेट मेरा थोड़ा सा स्लो है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। भाई लोग वीडियो को जिनने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो नेट मेरा स्लो है, तो ये लोड हो चुका है। तो यहाँ सिंपली आपको डाउनलोड पर करके इस सेटअप को डाउनलोड कर लेना है। मैं इसे पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ ओनली। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इस सेटअप का लिंक है, आप उस लिंक को कॉपी करके गूगल पे सर्च कर लेना, तो आपको डाउनलोड का जो है पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। मैं डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले से इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसे कैंसिल करूँगा और इसे मिनिमाइज़ करूँगा, ठीक है। और आपको इस सेटअप को यहाँ से डाउनलोड करना है, जो कि जिप फाइल होगी, और उसे आपको डेस्कटॉप पे ले जाना है, ठीक है, जो मैं पहले से डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ। तो फाइल को फटाफट से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, इस फोल्डर के अंदर है हमारा सेटअप, जो कि 7.9, जैसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे फोल्डर को, तो ये हमारा सेटअप है। अब इसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। तो ऊपर वाले पे टिक करना और नेक्स्ट कर देना, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है आपको, और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना, थोड़ा सा टाइम लगता है। UMT का अभी तक का सबसे बेस्ट मुझे यही अपडेट लगा, क्योंकि पहले फ़ोन को खोलना पड़ता था, और कस्टमर जो है फ़ोन खोलने के लिए, काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि फ़ोन को खुलवाना नहीं चाहते। तो अब ये अच्छा अपडेट है कि आप फ़ोन को खोलोगे भी नहीं, और आप फास्ट बूट मोड में ही सब कुछ कर पाओगे, और फास्ट बूट मोड से आप इसे EDL में भी ले जा सकते हो, वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो ये सबसे बेस्ट अपडेट था अभी तक का UMT का। ओके कर देना इसे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेना है।
अभी तक तो UMT काफ़ी अच्छे बेस्ट बेस्ट अपडेट दे रहा है, और काफ़ी सारे यूज़र भी हैं UMT के, तो ये अपडेट भी काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे ध्यान देना ऊपर वाले पे टिक नहीं करना, नहीं तो आपका जो कंप्यूटर है वो रिस्टार्ट होगा। ठीक है, नीचे पे टिक करना और फिनिश कर देना है। ठीक है, और ये एरर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे क्लोज कर देना है आपने। मेरे पास आया है, आपके विंडो में नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सेटअप है वो ये है, UMT QC Fire 7.9। ठीक है, तो इसे हम फटाफट से डबल क्लिक करके करते हैं रन, और देखते हैं इसके जो वीवो के जो स्पेशल फास्ट बूट मोड फंक्शन कहाँ पे है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सेटअप जो है हमारा रन हो चुका है, तो यहाँ आपको करने का वीवो स्पेशल है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ऊपर आप देखेंगे वीवो स्पेशल जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, नीचे यहाँ पे फ़ोन दिखा रहा है कि जो असूस के कितने सारे मॉडल ऐड कर दिए गए हैं वो दिखा रहा है। ठीक है, और ऊपर आप जाएंगे और वीवो स्पेशल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप नीचे देखो, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ फास्ट बूट फंक्शन, यहाँ पे आप अनलॉक जो बूट लोडर है उसे अनलॉक कर सकते हो, वो भी फास्ट बूट मोड में। ठीक है, यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो, और इधर आप फास्ट बूट मोड में आप बूट लोडर को अनलॉक रीलॉक दोनों कर सकते हो। और फिर नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ आपको जो फास्ट बूट से आप ADL भी कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर देखेंगे तो ऊपर सेफ फॉर्मेट, मतलब कि आपका जो फ़ोन का जो डाटा है गैलरी में, जो वीडियो फोटोज वगैरह रहते हैं आप उसे भी बचा सकते हो, उसे मतलब बिना डिलीट किए भी आप फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, और फिर रिसेट FRB फास्ट बूट, मतलब सब कुछ यहाँ पे फास्ट बूट में ही आप कर सकते हो, वो भी ओनली वीवो फ़ोन में ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट अपडेट था, और इस सेटअप को आप लोग डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल करके यूज़ करिए। और अगला नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे फास्ट बूट में ये सब फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, सब कुछ बता दूंगा। तो अभी तक इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।